जीएम मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये पहले हम बात कर चुके हैं, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन आ चुकी हो, उसको उसके अंदर से जीन्स रिमूव किए हैं या ऐड किए हैं या रिप्लेस किए हैं, ठीक है, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं। तो क्योंकि ये वाले हमारे प्लांट जो क्रॉप है इनके अंदर हमने खुद से जीन डाले हैं, हमने या वीट के रेजिस्टेंस जीन डाले हैं या हमने पेस्ट के रेजिस्टेंस जीन डाले हैं, तब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के अंदर। अब इससे हुआ क्या, जब हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बना लिए तो इन प्लांट्स ने कुछ सर्टेन टाइप की प्रोटीन प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने जब ये प्रोटीन्स बनाना शुरू की तो उससे क्या हुआ कि ये जो प्रोटीन्स बना रहे थे प्लांट्स वो हार्मफुल थी, किसके लिए? इन्हीं वीड्स के लिए और पेस्ट के लिए। तो इससे इजीली जो पेस्ट थे या जो वीड्स थी वो इजीली किल हो गई, ठीक है। तब देखें इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि अंदर हमने जीन इंट्रोड्यूस करवा दिए प्लांट के अंदर, वहीं से उसने प्रोटीन बनाई खुद से और उससे खुद से किल कर दिया उन वीड्स को या उन पेस्ट को। अब अगर हम फीड करते हैं उस क्रॉप के ऊपर, उस प्लांट के ऊपर, तो हमारे नुकसान देने लगे। तो इस तरह से ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारी जो प्रोडक्ट थी उसकी यील्ड भी अच्छी आ रही क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारी जो क्रॉप्स हैं, अभी हम ये बात कर रहे हैं इसका हमारे पास एडवांटेज क्या आया, फायदा क्या आया। एक तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई हमारी क्रॉप्स की, ठीक है, उनका म्यार बेहतर हुआ, और दूसरा कि वो सेफ है फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है। सेफ कैसे हैं, क्योंकि पहले हम ये केमिकल्स यूज कर रहे थे लेकिन अब हमने क्या किया, हमने बायोटेक्नोलॉजी की तकनीक से यूज करते हुए अब हमने जीन अंदर इंट्रोड्यूस करवा लिया, यहाँ पे कोई केमिकल नहीं है। जब केमिकल नहीं है तो जो भी इसको यूज करेगा, ह्यूमन यूज करेगा या एनिमल इसके ऊपर फीड कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सेफ है, ठीक है, उनकी बॉडी के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। तो ये इसका एडवांटेज आया हमारे पास, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी फील्ड एग्रीकल्चर की उसके अंदर ये बायोटेक्नोलॉजी एक इंकलाब ले गया, एक रेवोल्यूशन ले गया। अब कौन कौन सी हमने प्रोडक्ट्स इससे तैयार कर रही है, कौन कौन सी हमारी फसलें जेनेटिकली मॉडिफाइड हम तैयार कर रहे हैं, उसमें वीट है, गंदुम, राइस हमारी चावल की जो फसल है, ठीक है, कॉर्न, मकई है, पोटैटो, आलू है, ठीक है, या सोयाबीन है, कैनोला है, बहुत सारी हमारी ऐसी फसलें हैं जिन्हें हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बना लिए, जेनेटिक उनको मॉडिफाई कर लिया, जिससे एक उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो रही है, ठीक है, जिससे उनकी यील्ड भी ज्यादा से ज्यादा हो रही है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर अगर इस फील्ड में देखते जो काम किया जा रहा है कि हमारी कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है कि अगर सॉल्टी है हमारी सॉइल, बहुत ज्यादा नमकियात वाली है, या अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन आई गई है, ड्राउट आ गया, कह साली हो गई है, ठीक है, तो वहां पे फिर क्रॉप की जो प्रोडक्शन होती है वो अच्छी नहीं हो रही है। तो इसके लिए अभी भी काम किया जा रहा है ताकि इसके अंदर इंप्रूवमेंट आई जा सके, ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए जा सके प्लांट्स के अंदर जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी प्लांट्स को डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। वो इसके ऊपर मजीद अभी काम किया जा रहा है कि नेक्स्ट फ्यूचर में इसके ऊपर इस तरह से जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे बुक के अंदर छोटा सा टाइप ऑफ सेव है जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस की बात की गई, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं साउथ एशिया के जहाँ पे क्योंकि जो बच्चे हैं उनके अंदर क्योंकि विटामिन ए की बहुत कमी है, उससे ब्लाइंडनेस बहुत ज्यादा, ठीक है, बच्चों के अंदर ब्लाइंडनेस बहुत ज्यादा आ रही है क्योंकि विटामिन ए की कमी थी। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनकी स्टेपल फूड जो डेली बेसिस पे जो खुराक ले रहे हैं वो राइस को यूज करते हैं, वो राइस को जिस तरह से हम डेली बेसिस पे हम वीट यूज करते हैं, गंदम की रोटी खा रहे होते हैं, वो राइस को पहले इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने क्या किया, राइस के अंदर उन्होंने ये जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया विटामिन ए पर यूज करते हुए, तो उससे क्या हुआ उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो पाकिस्तान में भी ये काम किया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान की हम बात करें तो हर दूसरा या तीसरा बच्चा जो है आयरन की कमी का शिकार है, तब इस पर काम किया जा रहा है कि अगर हमारे हम वीट यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे तो इस तरह की वराइटीज लाई जाए कि उनके अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस करवा दी जाए जो ज्यादा से ज्यादा आयरन बनाए ताकि ये जो आयरन की कमी आ रही है बच्चों के अंदर उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी है कि वो है फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। फूड को सबसे पहले प्रोड्यूस करवाना है, उसको प्रिजर्व करना है, लंबे अरसे तक उसको महफूज रखना ताकि वो खराब ना हो। तो इसमें क्या क्या काम किया जा रहा है, जीन इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं एनिमल्स के अंदर, किसके लिए, ताकि एक तो मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो और दूसरा जो मीट हम यूज करते हैं उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा से ज्यादा हो और हेल्दी मीट हमें मिल सके। उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर इस तरह के जीन इंट्रोड्यूस करवाए जा सके ताकि उनकी शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो सके। शेल्फ लाइफ से क्या मुराद है, यानी इनकी जो गलने सड़ने का अमल है वो ज्यादा हम ये कहते हैं थोड़ा लेंथ हो सके, जल्दी ये गलने सड़ने का अमल शुरू ना हो, ठीक है, उनकी शेल्फ लाइफ हम इंक्रीज कर देते हैं उससे, जिससे फिर क्या होता है कि हमारी जो वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है वो लंबे अरसे तक महफूज रहते हैं, यानी वो गलने सड़ने का अमल जरा जो वो है प्रोलॉन्ग हो जाता है, जल्दी ये नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड है वो है हमारी हेल्थ की फील्ड।
हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो पास में बहुत सारी ऐसी डिजीजेस थी जिनका जो ट्रीटमेंट था वो अवेलेबल नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है, जैसे जैसे जो डिजीजेज हैं उनके क्योर या ट्रीटमेंट अब सबके अवेलेबल है, ठीक है। या कुछ बीमारियां ऐसी होती थी जिनके क्योर करने के लिए, जिनके ट्रीटमेंट के लिए हमें एनिमल से वो सर्टेन प्रोटीन्स लेना पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से हम हर चीज खुद से बना सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी हमारे पास बताई हुई यूज बताए रहेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के, जो हम बना रहे हैं हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहला तो इंसुलिन है, सबको पता है इंसुलिन किसके लिए यूज होती है। डायबिटीज के पेशेंट है, जो शुगर के मरीज हैं, वो इंसुलिन को यूज करते हैं। इंसुलिन है या इंसुलिन एक केमिकल है जो हमारे पैनक्रियास के अंदर प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर ये प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, जिसे हम शुगर कहते हैं या डायबिटीज है। तो हमने क्या किया कि इंसुलिन को हमने बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक यूज करते हुए खुद से बना लिया है और उसको डायबिटीज के पेशेंट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा है वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन या इस तरह के मटेरियल होते हैं जिनके अंदर हमने बी किए हुए वो एजेंट्स डाल दिए हैं जो कि बीमारी की वजह बनते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट कुछ प्रोटीन्स बना लेते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जिससे फिर हमारी जो है हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो वैक्सीन जो हम किसके लिए यूज होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट इनको यूज किया जा रहा है। वैक्सीन भी हमने बना ली है। हमारे पास ग्रोथ हार्मोन। अब ह्यूमंस की ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम रह जाती है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक यूज करते हुए ग्रोथ हार्मोन भी बना लिया है, जिसको फिर दिया जाता है और फिर उससे ग्रोथ स्टिमुलेट करता है ग्रोथ, ताकि नॉर्मल ग्रोथ का प्रोसीजर चलता रहे। नेक्स्ट हमारे पास बीटा एंडोर्फिन। बीटा एंडोर्फिन क्या है? ये एक पेन किलर है, पेन किलर ड्रग है। ये भी हमने किससे बनाई है? ये भी हमने बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक से यूज करते हुए बनाई है। लास्ट है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या है? एंटी वायरल प्रोटीन है, वायरस के अगेंस्ट जो यूज होती है वो प्रोटीन है इंटरफेरोन। ये भी हमने किससे बनाई है? ये भी हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए बनाई, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसकी सब किसके जरिए से बनी है, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के जरिए से बनी है। तो बहुत आसान हो गया है बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स यूज की गई है बुक के अंदर। सबसे पहले जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इसमें पढ़ते हैं कि जेनेटिक या वायरल डिजीजेज है। जेनेटिक भी यानी जो पहले से आपके जीन्स के अंदर मौजूद थी डिजीज, या वायरल जो कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर कुछ इस तरह का था उसकी वजह से आपको डिजीज हो गई है, उनके यूज उनके अगेंस्ट उनको यूज करते हैं ताकि उनका क्योर या उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, ठीक है। कौन कौन से डिजीज है जैसे एड्स है या कैंसर है, इनके लिए हम क्या करते हैं कि हम जीन थेरेपी करते हैं, जिसमें हम या तो जो डिफेक्टिव जीन है या उसको रिमूव कर देते हैं या उसको रिप्लेस कर देते हैं हेल्थी जीन से। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक टेस्टिंग। इसको हम जेनेटिक डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनहेरिटेड डिजीजेज होती हैं, यानी जो पहले से मौजूद है डिजीज, अगर पेरेंट्स में है तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट अगर ट्रांसफर होगी इनहेरिटेंस में जा रही है, विरासत में जा रही है, तो इनहेरिटेड डिजीजेज जो है ये जो विरासती बीमारियां हैं उनको डायग्नोस करने के लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। हम देखते हैं कि जो जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग है इसके जीन्स में वो डिजीज मौजूद है या नहीं है, जेनेटिक टेस्टिंग। और इससे यूज किया कि चाइल्ड फर्टिलिटी टेस्ट, एक बच्चे के वालदैन उससे उसके जो डीएनए टेस्ट किया जाता है बेसिकली यही हम जेनेटिक टेस्टिंग कर रहे हैं इसे फाइंड करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है पर्सनल एंसेस्ट्री। अगर हमें ये देखना है एक किसी एक सर्टन अगर बंदे की अगर हम देखना चाह रहे हैं उसकी एंसेस्ट्री या उसके वारदात कौन से थे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। डीएनए का हम टेस्ट करते हैं, उसके जरिए से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग एक इस तरह की टेक्निक है हमारे पास, जिससे हम एक अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म है यानी वो बहुत अच्छा, किसी अगर एनिमल की हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छी है या मीट प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, तो एग्जैक्ट अगर हम उसकी कॉपी बनाएंगे तो ये क्लोनिंग कहलाती है, ठीक है। क्लोन बनाना, क्लोनिंग करना इसे कहते हैं। ऐसा प्रोसेस है ये ह्यूमंस में भी पहले की गई थी लेकिन उसके बाद उसको बैन कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अब एनिमल्स के ऊपर क्लोनिंग की जा रही है। एनिमल्स के ऊपर क्लोनिंग इसलिए कि हम डिफरेंट उनके अगर मिल्क प्रोडक्शन किसी एनिमल की बहुत अच्छी है तो हम उसका क्लोन तैयार कर लेते हैं, या अगर मिल्क प्रोडक्शन अच्छी है तो हम उसका क्लोन तैयार कर लेते हैं। और ह्यूमंस के लिए अगर हम डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनकी क्लोनिंग की जा रही है, ऑर्गन्स बनाए जा रहे हैं क्योंकि हम ऑर्गन्स को फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्लोनिंग की जा रही है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा जो यहाँ पे फील्ड है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं वो है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की अगर बात करें हम, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, तो इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं ताकि इसको
बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, सिवेज या इफ्यूज यानी जो हमारा कूड़ा क्रिकेट है या जो गंदा पानी निकाल दिया जाता है वैसे ही छोड़ दिया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं। सीड ऑयल बहुत ज्यादा तेल गिर जाता है जिस तरह से हम ये कहते हैं सारे समंदर के ऊपर या वैसे अगर ऑयल बहुत ज्यादा गिरा हुआ है उसकी क्लियर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा बायोपेस्टिसाइड के तौर पर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को यूज करते हैं। पेस्टिसाइड से अभी हम स्टार्ट में बात करते हैं कि पेस्टिसाइड क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो केमिकल्स से इसमें हार्मफुल थे लेकिन जब आप बायोपेस्टिसाइड की बात करेंगे तो ये हार्मफुल नहीं है। बायोपेस्टिसाइड मतलब किसी भी एक क्रॉप के ऊपर एक प्लांट के ऊपर अगर कुछ पेस्ट मौजूद है तो उनको उन कीड़े मकोड़ों को खाने वाला भी कोई और कीड़ा मकोड़ा भी तो होगा उससे बड़ा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं हम उसके ऊपर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो इस तरह से बायोपेस्टिसाइड के तौर पर यूज होते हैं, बायोफर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज होते हैं, ये जेनेटिक बायोसेंसर के तौर पर यूज होते हैं। बायोसेंसर हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें वो केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती हैं और वो कैसे डिटेक्ट करते हैं वो इन्हीं जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया के जरिए से डिटेक्ट करते हैं। अगर किसी सॉइल की अगर हम किसी पार्ट में देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कितने केमिकल्स हैं तो हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं हम एनवायरमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज करते हुए। नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट किया गया है छोटा सा साइड बॉक्स बना रहा बुक के अंदर उसमें बताया हुआ है कि अभी हमने बात की कि ग्राउंड कंडीशन आ जाती है यानी गहर सर्दी आ जाती है या एक्सट्रीम कोल्ड या हॉट कंडीशन आ जाती है तो उससे अगेन जो है हमारे क्रॉप्स या हमारे प्लांट्स वो विस्टैंड नहीं कर पाते वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तब एक प्रोजेक्ट किया गया था एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने क्या किया उन्होंने टोमेटो प्लांट और टोबैको प्लांट के अंदर इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जीन्स डाल दिए, ठीक है, और फिर उनको एक्सट्रीम कंडीशन दी यानी उनको एक्सट्रीम उनको ड्राउट कंडीशन में भी रखा उनको हॉट कंडीशन में भी रखा और फिर उन्होंने देखा इसके ऊपर कितना असर हुआ। तो वो जो टोबैको प्लांट थे या टोमेटो प्लांट थे वो सारे फेज के अंदर वो विदस्टैंड कर गए वो उनके अंदर इतना डैमेज नहीं हुआ। तो अब ये काम इसके ऊपर किया जा रहा है मजीद कि इसको बड़े पैमाने पर बड़े लेवल पर ले जाके बाकी सारे प्रोसेस भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि जो हमारी फूड की प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा से ज्यादा और जो क्वालिटी है वो भी बेहतर से बेहतर हो।